हे गाइस, तो हमने कल बात कर ली थी ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस की और कुछ ऑक्सिन्स की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, जिसमें इंडोल एसिटिक एसिड 2,4-D, 2,4-D, 2,4-5-T इन सब की हमने स्ट्रक्चर देखी थी। इंडोल 3 एथेनॉल, इन सब की हमने क्या है स्ट्रक्चर देखी थी। अब हम जो आज नेक्स्ट लेके चलने वाले हैं वो हम मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सिन मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सिन लेने वाले हैं। कि देखिए ऑक्सिन क्या काम करता है, सेल इलोंगेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये सेल इलोंगेशन का काम किस तरीके से करता है उसकी हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि ऑक्सिन किस तरह का काम करता है। तो ऑक्सिन के मैकेनिज्म को लेकर तीन थ्योरीज हमारी दी गई हैं, जिसमें से ऑस्मोटिक थ्योरी है, एक हमारी जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन थ्योरी है, और जिसमें हमारे क्या है फर्स्ट जो ऑस्मोटिक थ्योरी है उसमें ये कहा गया है कि जब ऑक्सिन है वो क्या करता है हमारे जो सेल्स है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे क्या है टीपी इंक्रीज होगा तो हमारी जो है सेल इलोंगेटेड होगी। वहीं अगर हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करें जीन एक्सप्रेशन थ्योरी, तो उसमें क्या है ये क्या करता है जीन एक्सप्रेशन को बहुत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है सेल में हमारे आरएनए का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सेल इलोंगेशन, क्योंकि उसको क्या है उसको सेल इलोंगेशन के लिए सभी चीज़ें प्रोवाइड होने लग जाती है। और नेक्स्ट जो हमारी तीसरी थ्योरी है वो परमेबिलिटी थ्योरी है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी थ्योरी। उसमें ये कहा गया है कि जो ऑक्सिन है सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है सेल इलोंगेशन होता है। तो ये हमारी तीन थ्योरी है जो कि क्या है ऑक्सिन के मैकेनिज्म के बारे में दी गई। फर्स्ट हमारी आती है ऑस्मोटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑक्सीन इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल ड्यू टू विच वाटर कम्स इन सेल, सो पीपी इज ऑल्सो इंक्रीज एंड सेल इज इलोंगेटेड। तो ये है हमारी पहली थ्योरी ऑस्मोटिक थ्योरी, जो ये कह रही है कि ऑक्सिन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वाटर सेल में आता है, टीपी इंक्रीज होगा और सेल इलोंगेटेड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं मेम्ब्रेन परमेबिलिटी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है ऑक्सिन है सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है सेल में आसानी से ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है और जो हमारा जो सेल है वो इलॉन्गेटेड हो जाती है। अब देखिए हमारे सेल में ट्रांसपोर्टेशन परमेबल, सॉरी हमारी जो सेल है वो सेमी परमेबल टाइप की होती है, जो कि क्या है कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने से क्रॉस होने देती है, ठीक है। और उसके लिए भी हमारे सेल में पंप सिस्टम, कैरियर्स, चैनल्स वगैरह मिलते हैं, है ना। तो ये क्या है ऑक्सीजन है, ये एटीपी इस पंप की एक्टिविटी को बूस्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा एटीपी इस पंप है उसके थ्रू H+ आयन है उनका ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो जाएगा और सेल है वो इलॉन्गेटेड हो जाएगी।
क्या होगा, हमारे H प्लस आयन है इनका ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज हो जाएगा और सेल होगी वो एनलार्ज हो जाएगी। सेल इलॉन्गेशन क्या है, बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारी तीसरी थ्योरी है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन थ्योरी। अब देखिए ये थ्योरी कह रही है कि जो हमारे हमारी जो ऑक्सिन है ये इनहिबिटर्स की एक्टिविटी को कम करती है, जिससे हमारे जो जीन एक्सप्रेशन है वो बढ़ जाता है, फिर उसके बाद आरएनए सिंथेसिस हो जाता है, उसकी वजह से क्या है हमारे हमारी सेल इलॉन्गेटेड होती है। इसमें क्या है, हमारे रिप्रेसर प्रोटीन, हमारे रिप्रेसर प्रोटीन की एक्टिविटी क्या है इनहिबिट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है आरएनए सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारी रिप्रेसर प्रोटीन है हमारे जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करने का काम करती है, तो हम इसको इनहिबिटर कह सकते हैं। तो ये क्या है, ऑक्सिन है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जो हमारा इनहिबिटर है उसकी क्या है, उसकी एक्टिविटी को कम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस से फास्टली हो रहा है और हमारी सेल एनलार्ज हो रही है। तो ये तो इसकी जो मैकेनिज्म को या हमको लेकर तीन थ्योरी दी गई थी। इसके बाद हमारा एक पॉइंट बीच में मिस हो गया था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, तो आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रूट टू फूड एक्रोफिटल सीक्वेंस में और वेसिकुलर सीक्वेंस में जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहां देखिए हमारी क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारा रूट टू सूट एक्रोपिटल सीक्वेंस में और सूट टू रूट बेसिपिटल सीक्वेंस में जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ये होगी हमारी बात ट्रांसपोर्टेशन की भी हो गई, इसके मैकेनिज्म की भी हो गई। नेक्स्ट हम लेके चल रहे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के, प्लांट पर कौन कौन से इफेक्ट ऑक्सीजन के कारण होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कि सेल इलॉन्गेशन को क्या करता है, इंड्यूस करता है, और इसके अलावा रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, और एब्सिशन को डिक्रीज करता है, इसके अलावा पाइन एप्पल और एप्पल में फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करता है। तो ऐसे हमारे पास कुछ पॉइंट आएंगे फिजियोलॉजी को इसके अफेक्ट्स को लेकर। तो फिजियोलॉजिकल अफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन,
हमारे फिजियो हमारे ऑक्सीन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स फॉलोइंग है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सेल एलोंगेशन। तो सेल एलोंगेशन में हम क्या करता है, ऑक्सीन इंक्रीज सेल ओपी। अब सेल ओपी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एंडोसमोसिस होगा। एंडोसमोसिस होगा तो क्या होगा, हमारी सेल टर्जिट होगी। सेल टर्जिट होगी तो क्या होगा, टीपी इंक्रीज होगा, या फिर हम कहें सेल टर्जिट होने से टीपी होगा इंक्रीज, और उससे होगी इलॉन्गेशन, या हम कहेंगे सेल एनलार्जमेंट। ठीक है, सेल एनलार्जमेंट या इलॉन्गेशन। तो पहला पॉइंट हो गया कि हमारा जो ओपी है, सॉरी हमारा जो ऑक्सीन है वो ओपी को इंक्रीज करता है। ओपी इंक्रीज होगा तो एंडोसमोसिस होगा, एंडोसमोसिस होगा तो सेल टर्जिट होगी, सेल टर्जिट होगी तो टीपी इंक्रीज होगा, और टीपी इंक्रीज होगा तो सेल इलॉन्गेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं रूट इनिशिएशन। हमारा है रूट इनिशिएशन। तो देखिए, अगर हम रूट को हम IAA से ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा रूट है उनकी, ऐसे मान लीजिए अगर हमने रूट पर, ठीक है, हमने रूट पर हम ऑक्सीन का यूज कर रहे हैं तो हमारी वहां से और भी रूट्स निकलनी चालू हो जाएगी, या फिर हम कहें कि ये प्लांट्स में, प्लांट्स को अगर हम ऑक्सीन से ट्रीट करेंगे तो उसमें न्यू रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम रूट इनिशिएशन में लिख लेते हैं, हमारा क्या होगा, हमारा रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम देखिए, हम इसमें लेते हैं या तो आप प्लांट की रूट ले रहे हैं, ठीक है, उस पर अगर आप डाल देंगे हमारा ये दोनों तो क्या होगा, रूट फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर आप स्टेम के बेसल पार्ट को ट्रीट कर रहे हैं तो वहां से क्या होगा, रूट निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम प्लांट में ले लेते हैं बेसल पार्ट। ठीक है, बेसल पार्ट लेके चलते हुए रूट तो वहीं से निकलती है, तो हमने प्लांट के अगर बेसल पार्ट को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं ऑक्सीन से तो वहां से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपना तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं डॉर्मेंसी का। इनहिबिशन ऑफ डॉर्मेंसी, तो क्या होता है, जब हम किसी ट्यूबर को जिसमें हम प्लांट पार्ट जिसमें हम डॉर्मेंसी को अगर हमें पैदा करना है, या फिर हम कहें कि हमें किसी प्लांट में डॉर्मेंसी क्रिएट करनी है, तो अगर हम उसको ऑक्सीन से ट्रीट कर देंगे तो क्या होगा, उसका जर्मिनेशन रुक जाएगा, 2-3 साल लेट हो जाएगा और उसमें डॉर्मेंसी आ जाएगी। इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन एंड इंड्यूसिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो देखिए,
अगर हम पटेटो के ट्यूबर, ठीक है, डोरमेंसी हमें किसमें मिलती है, उन प्लांट पार्ट में, सॉरी ट्यूबर्स में, राइजोम्स में, सुसुप्त कलिकाएं, इन सब में क्या होती है, हमें डोरमेंसी मिलती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पटेटो को ट्यूबर को हम ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे और उसका जर्मिनेशन दो से तीन साल लेट हो जाएगा, तो क्या होगा, उसमें डोरमेंसी इंड्यूस हो जाएगी और जर्मिनेशन लेट हो जाएगा। तो हमने क्या है, पटेटो के ट्यूबर को ऑक्सीजन से ट्रीट किया है, जिसके बाद इसका जर्मिनेशन 2 से 3 साल डिले हो जाएगा, डोरमेंसी इंड्यूस हो जाएगी, इस तरीके से हम ट्यूबर्स को प्रिजर्व कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम लेके चले तो हम ले सकते हैं इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमारे प्लांट्स के लेटरल पार्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एब्सिशन जोन का फॉर्मेशन होता है। तो एब्सिशन जोन में हमारे क्या है, पेक्टिनेज एंजाइम है, सेलुलोज, सॉरी पेक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सेल वॉल होती है वो डीजनरेट होने लगती है, जिससे हमारे जो प्लांट पार्ट है वो टूटकर अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं एब्सिशन। तो अगर हम उस प्लांट पार्ट को अगर हम ट्रीट कर देंगे ऑक्सीजन से, तो ये जो एब्सिशन जोन की जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, वो नहीं होगा, और ये क्या होगा, इसका इनहिबिशन हो जाएगा। तो हमारे लेटरल पार्ट्स है उनमें हमारे एब्सिशन जोन का फॉर्मेशन होता है, जिससे ऑक्सीजन क्या करता है, इनहिबिट करता है या उसको कम करता है। इन लेटरल पार्ट ऑफ प्लांट एब्सिशन जोन इज फॉर्म्ड इन विच सेल वॉल इज डीजनरेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ पैक्टिनेज एंड सेलुलेज एंजाइम। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो प्लांट पार्ट है वो टूट कर अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो
ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको कम कर देगा। तो ये हो गया हमारा इसका नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इसके बाद हम देखें तो इंड्यूस द फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम एप्पल को एंड पाइनएप्पल को अगर हम ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन से तो क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग भी होगी और फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग भी होगी, ठीक है। क्या होगा, उसमें फ्लावर फॉर्मेशन इंड्यूस हो जाएगा या फिर हम कहें कि उसमें फ्लावरिंग होने लग जाएगी। नेक्स्ट हम लेके चल सकते हैं पार्थेनोकार्पी। तो आप जानते हैं पार्थेनोकार्पी क्या होती है, शीटलेस फ्रूट का प्रोडक्शन होता है हमारे पार्थेनोकार्पी। तो अगर हम किसी भी फ्रूट को हम 2,4-D से ट्रीट करेंगे, ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे, तो उसमें क्या है, शीटलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो नेक्स्ट पार्थेनोकार्पी, तो शीटलेस फ्रूट का फॉर्मेशन हमारे क्या है, पार्थेनोकार्पी। तो अगर हम 2,4-D का यूज करेंगे तो पार्थेनोकार्पी हमारी इंड्यूस हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट हम ले सकते हैं हमारी एपिकल डोमिनेंस। तो देखिए एपिकल डोमिनेंस यानी लैटरल बड का या लैटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन नहीं होना कहलाता है एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो अगर हम एपिकल पार्ट को कट कर देंगे या फिर हम एपिकल पार्ट को, देखिए हमारे जो प्लांट होता है जब तक उसमें एपिकल बड प्रेजेंट होती तब तक क्या होता है, हमारे जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि क्या होता है हमारे एपिकल बड में हमारे होता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर हम एपिकल पार्ट को कट कर देंगे तो प्लांट में लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो क्या होता है, अगर हम एपिकल बड को हटा देंगे तो हमारे क्या होगा, लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो हमारी क्या है, जो हमारी हमारी एपिकल बड में आईएए होता है, ऑक्सिन होता है, जिसकी वजह से क्या लेटरल बड वैस्कुलर बंडल के साथ जॉइंट नहीं हो पाती, कनेक्ट नहीं हो पाती। जिसकी वजह से उनका फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन अगर हम एपिकल बड को ही हटा देंगे तो क्या होगा, हमारी लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एपिकल डोमिनेंस वाली बात। नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चल सकते हैं बीट्स का। अब देखिए हमारे खेतों में हमारे बहुत सारे खरपतवार लगती हैं, और मोस्टली खरपतवार क्या होती है, बीट्स क्या होती है, डाइकोट्स होती है। तो अगर हम उन्हें ऑक्सीजन से ट्रीट कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारे बीट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, या फिर हम कहें ऑक्सिन वीडिसाइड्स के रूप में भी यूज हो रहा है। तो हमारे क्या है, खेतों में हमारे पास वीड्स लग रहे हैं, और मोस्ट ऑफ वीड्स क्या है, हमारे डाइकोट है। तो अगर हम 2,4-D या ऑक्सीजन का यूज उन पे करेंगे तो वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी बात फिजियोलॉजी ऑफ ऑक्सीजन की, आप इसको नोट कीजिए। तो हमने ऑक्सीजन की फिजियोलॉजी की बात की कि वो कौन कौन से प्लांट पर असर डाल रहा है। जैसे हम कहें एपिकल डोमिनेंस बढ़ाता है, क्योंकि उसमें क्या है, एपिकल बड में हमारे पास आईएए बहुत ज्यादा है। तो हम अगर एपिकल पार्ट को, एपिकल बड को रिमूव कर देंगे तो लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। बीट्स वीडिसाइड्स के रूप में यूज हो रहा है, डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, जर्मिनेशन को डिक्रीज करता है। इसके अलावा हम बात करें तो इलोंगेशन को इंड्यूस करता है, रूट इनिशिएशन करता है। तो ये सब तो हो गए हमारे ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, या हम कहें कि वो प्लांट पर क्या क्या असर डालता है। तो यहाँ हमारा होता है ऑक्सीजन खत्म, पहला हमारा हार्मोन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम जिब्रेलिन स्टार्ट करेंगे।